इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में सोमवार यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 55वां मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसी जीत के साथ ही दिल्ली ने अंक तालिका में दूसरा पायदान पक्का कर लिया है। अब दिल्ली और मुंबई को फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलेंगे। वहीं आरसीबी ने भी हार के बावजूद प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया है। मुकाबले में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। उधर टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली ने 19 ओवरों में 4 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी को जोश फिलिप के रूप में शुरुआती झटका लगा। जोश फिलिप महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने देवदत्त पड्डिकल के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर आरसीबी को मजबूत स्थिति में ला दिया। कोहली 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से देवदत्त पड्डिकल ने पारी को आगे बढ़ाया। पड्डिकल ने अपना 5वां आईपीएल अर्धशतक जड़ा। इस पारी के साथ ही देवदत्त पड्डिकल डेब्यू सीजन में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर करने वाले अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उधर एनरिच नॉर्थेज ने 16वें ओवर में पड्डिकल और क्रिस मॉरिस को पवेलियन भेजकर आरसीबी को दबाव में ला दिया और कोहली एंड कंपनी निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 152 रन का ही स्कोर खड़ा कर सकी। देवदत्त पड्डिकल 50 रन और क्रिस मॉरिस बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। विपक्षी टीम की ओर से एनरिच नॉर्थेज को 3 और कगिसो रबाडा ने 2 विकेट झटके, जबकि रविंद्र चंद अश्विन को 1 विकेट हाथ लगा। उधर लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को 11वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ के रूप में पहला झटका लगा। पृथ्वी शॉ 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शिखर धवन अजिंक्य रहाणे के साथ दूसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़कर दिल्ली को जीत के करीब ला दिया। धवन ने अपने आईपीएल करियर का 40वां अर्धशतक जड़ा और वो 41 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 46 बॉल में 6 बाउंड्री की मदद से 60 रन बनाए और दिल्ली ने 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। आरसीबी की ओर से शाहबाज अहमद ने 2 विकेट, जबकि मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट हाथ लगे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे नॉर्थेज, जिन्होंने 4 ओवर देकर 33 रन दिए और 3 विकेट झटके। बता दें कि आईपीएल 13वें सीजन में 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई है, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। चौथे जगह के लिए मुकाबला दिलचस्प रहेगा। फिलहाल चौथे स्थान पर केकेआर है, लेकिन अगर आज होने वाले मुकाबले में हैदराबाद जीतती है तो वो प्लेऑफ में आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि हैदराबाद का रन रेट केकेआर के मुकाबले बेहतर है। लेकिन हैदराबाद के लिए ये मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि सामने होगी मुंबई इंडियंस की टीम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।